हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, रेवाड़ी से आ रही है। बच्चों से भरी स्कूल की बस पलट गई है, बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया है। जमीन में धंसने से सड़क के नीचे उतरी बस। बावल के राजगढ़ गांव के पास की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। हादसे के वक्त 50 से ज्यादा बच्चे बस में सवार थे। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने आ चुकी हैं। बस कैसे पलटी हुई है, रेवाड़ी से खबर आ रही है। बच्चों से भरी स्कूल बस थी जो कि पलट गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। आसपास लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही है और शीशा भी टूटा हुआ है। शीशा तोड़कर ही बच्चों को बाहर निकाला गया है। दरअसल जमीन में धंसने से सड़क से जो बस है वो नीचे आ उतरी। जमीन धंसी हुई थी और उसी दौरान जो बस उस सड़क पर चल रही थी वो उस सड़क से नीचे आ उतरी और उसी चक्कर में वो पलट गई है। बावल के राजगढ़ गांव के पास हादसा हुआ है। 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे उस वक्त इस बस में मौजूद थे। अब उन सब के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि बच्चों की हालत फिलहाल कैसी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको पहुंचा रहे हैं हम। तो बता दें, स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी। 50 के करीबन बच्चे बताए जा रहे हैं कि इस बस में थे और अब बच्चों की हालत कैसी है या फिर किसी को चोटें आई दुर्घटना में, ये जरूर जानना होगा। रेवाड़ी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है। सुरेंद्र गौड़ से ले लेते हैं तमाम जानकारी। सुरेंद्र, हादसा कब का है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रहे हैं, बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजगढ़ है जो हरियाणा का आखिरी गांव है, यहां पर जो स्कूल बस जो चीता डुंगरा के स्कूल की निजी बस स्कूल बस थी जी, वो उन बच्चों को लेकर राजगढ़ से वापस चीता डुंगरा जा रही थी। बीच रास्ते में सड़क का निर्माण हो रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, तभी स्कूल बस ड्राइवर ने जो है बस को नीचे उतार दिया तो जमीन में बस जो है जमीन में दबी और पलट गई। आप जो स्कूल का दरवाजा था वो पलटने वाली साइड ही था, तो लोग ग्रामीणों ने वहां मौके पर पहुंचकर बस का शीशा तोड़कर सभी जो छात्र हैं उनको बाहर निकाला। कनिमत ये रही कि सभी छात्र सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, किसी को भी कोई भारी चोट नहीं है। जी सुरेंद्र, स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है अभी तक इस पर? जी अभी अभिभावक मौके पर पहुंच रहे हैं। अभिभावकों ने कहा कि बस में जो है बच्चों को जो है बड़ी संख्या में ठूस ठूस कर भरा जा रहा था और साथ में बस में जो है ड्राइवर भी जो है अनट्रेंड था, इसको लेकर जो है अभिभावकों में काफी रोष है। जी ठीक है, स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो भी कुछ बातें निकलकर सामने आएगी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है, गनीमत यह रही कि बच्चों को चोटें नहीं आई हैं और बच्चे सुरक्षित बाहर निकल लिए गए हैं। चलिए अब रुख कर लेते हैं कैथल से आ रही इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ। कैथल से बड़ी खबर आ रही है, स्कूल बस और निजी बस में टक्कर। एक और खबर आ रही है स्कूल बस से जुड़ी हुई, आज बच्चों के लिए भारी दिन नजर आ रहा है। एक और खबर आ रही है कैथल से, जहां पर हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं। निजी बस चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हो गया। कस्बा राजौंद के गांव नरवाल के पास की घटना से जुड़ा हुआ है। तो कैथल से इस वक्त की घटना आ रही है सामने, जहां पर स्कूल बस और निजी बस के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं, निजी बस चालक की लापरवाही से हादसा बताया जा रहा हुआ है। कस्बा राजौंद के गांव नरवाल के पास की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, इससे पहले रेवाड़ी से घटना आई थी जहां पर स्कूल बस पलट गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है एक स्कूल बस और एक जो निजी बस है उसमें जोरदार टक्कर हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल बस आगे से काफी डैमेज नजर आ रही है, आगे का शीशा तक टूटा हुआ है उसका बताया जा रहा है। इसमें भी बच्चे मौजूद थे और कई बच्चे घायल भी हो गए हैं और जो लापरवाही बताई जा रही है वो बताई जा रही है निजी बस चालक की, उसी की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। तो कस्बा राजौंद के गांव नरवाल के पास की घटना इस वक्त की बड़ी और अहम खबर।
कैथल से तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूल बस और निजी बस की टक्कर की। हादसे में कई बच्चे घायल हो गए हैं। विपिन हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, कब ये हादसा हुआ है, दुर्घटना कब हुई और क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं, बच्चों की हालत फिलहाल कैसी है? जी आपको बता दें, ये एक पुंडरी के निजी स्कूल की बस थी जो राजौन के गांव नरगवल के पास ओवरटेक करते हुए सरकारी बस से जा भिड़ी। इसमें प्राइवेट स्कूल ड्राइवर की गलती बताई जा रही है कि उसने ओवरटेक जल्दबाजी में किया और बच्चे, ऐसे शुक्र रहा कि बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चों को चोट नहीं आई है। विपिन, इस दौरान बच्चों को चोटें नहीं आई है, लेकिन अस्पताल में उनको जरूर पहुंचाया होगा, छोटी मोटी चोटें अगर लगी हो बच्चों को तो? जी हाँ, आपको बता दें, एक बार बच्चों को फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल से ले जाया गया, परंतु उनको तुरंत वहां से रिलीव कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो गनीमत रही, बच्चों सुरक्षित हैं, बच्चों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। और आज दो दो खबरें ऐसी आई हैं प्रदेश में जहां पर बच्चे बहुत ही परेशानी में नजर आए, स्कूली बच्चे। तो रेवाड़ी और कैथल की दो तस्वीरें जिनका जिक्र हम कर रहे थे। रेवाड़ी में जहां पर बच्चों से भरी स्कूल की बस पलट गई, बस के शीशे तोड़कर बच्चों को निकाला गया, तो दूसरी तस्वीर आप कैथल की देख रहे हैं जहां पर बच्चे घायल भी हुए हैं इस हादसे में। यहां पर स्कूल बस और एक निजी बस है, उसमें बताया जा रहा है टक्कर हो गई और इस टक्कर में बच्चे जख्मी जरूर हुए थे, लेकिन फर्स्ट एड के बाद उनको वापस सुरक्षित घर में भेज दिया गया।